और यार यहाँ पे रेड एग ने एक बहुत ही बढ़िया चाटा मारा, हल्क यहाँ से उड़ने की तैयारी में, और यहाँ से रेड एग ने एक और हवा में चाटा मार दिया। ओए हल्क, आज तेरे बेबी और बच्चे दोनों को मार दूँ। ओए अरे ऐसा मत करो प्लीज, मेरे बीवी बच्चों को मत मारो। हेलो। ओए हल्क, क्या हाल है तेरे? अरे पिंक हल्क, मैं बढ़िया हूँ, तू बता। ओए मैं भी बढ़िया हूँ। अरे मैंने एक नया नया सिनेमा लिया है, आज उसकी ओपनिंग है, फटाफट से आ जा। और हाँ, कुछ अच्छे अच्छे कपड़े पहन के गरीबों की तरह मत आ जाइयो। अरे मेरे पास सिर्फ एक ही कपड़े है। ओए ठीक है, ओए गरीब आजा आजा, चल ऐसे आ जा। बेटा, ओ बेटा बाहर आओ। अरे हाँ पापा, ताओ दे बोलो। अरे बेटा अपनी मम्मी को बाहर बुलाओ, हमें कहीं बाहर जाना है। अरे त्या बाल देना है मम्मी। अरे बोलो बोलो क्या हो गया? हमें कहीं पे बाहर जाना है। अरे कहाँ जाना है? हमें पिंक कल की पार्टी में जाना है, उसने नया नया सिनेमा लिया है इसलिए उन्होंने हमें बुलाया है। अरे क्या, वो तो बहुत ज्यादा अमीर है, वो तो हमारी हर बार बेइज्जती करते हैं, फिर भी हम वहाँ पे क्यों जाते हैं? अरे हमें जाना तो पड़ेगा, वो मेरा दोस्त है, उसने मुझे बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। अरे तुम्हें पता है वो तुम्हारा दुश्मन है, तो मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाते वहाँ पे। अरे वो मुझे पता है पर क्या करूँ, मैं भी मुझे जाना तो पड़ेगा। चलो बैठो अभी सबके सब। अरे ठीक है पापा, मैं भी चलूंगा। हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग? अभी आप सबने देखा कि हल्क की फैमिली जा रही है सीधा पिंक हल्क के सेलिब्रेशन में। और यार जो यार पिंक हल्क की फैमिली यार वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, तो यार देखते क्या होने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है स्टोरी में। तो यार फटाफट जाकर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे हम उसके वहाँ पे जा रहे हैं तो हमें उसके लिए कोई गिफ्ट तो लेना पड़ेगा। अरे भाई साहब एक बार कर दे दो। अरे पापा मुझे भी बल्कि खाना है। अरे भाई साहब ठीक है तो ले लो। अरे मेरे को भी खाना है। अरे नहीं मेरे पास पैसे नहीं है तीन बर्गर के, मेरे पास सिर्फ दो बर्गर के पैसे। अरे तो ही बात नहीं, मैं मम्मी तो अपने बलजल में तो खिला दूंगा, आधा मैं था लूंगा आधा मम्मी था लेती। लो भाई साहब ये आपका बर्गर, इसके वो $20। ये लो पापा। पापा बर्गर बहुत अच्छा है। अरे बेटा काले काले। तो गाइस यार जैसा कि आपने देखा कि यार ग्रीन हल्क की फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब है, पर यार पिंक जो हल्क है हमारा वो यार बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं ग्रीन हल्क की फैमिली का, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गरीब है। इसलिए यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आगे चल के यार बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। अरे बेटा देखो हम आ गए। अरे रुको रुको कहाँ जाने गए? अरे वो गरीबों का अलाउड नहीं है, निकलो ऐसे। अरे हम गरीब नहीं है, हमें पिंक हल्क ने बुलाया है। अरे निकलो निकलो, कोई किसी ने नहीं बुलाया। ओए उसे आड़ते मेरा दोस्त है। ओके सर। देखा मैंने बोला था ना वो मेरा दोस्त है। ओके सर सॉरी सॉरी, आप जा सकते हैं। अरे पापा इनके पास तो असली वाली धन है। अरे हाँ इन्होंने इतनी सारी सिक्योरिटी क्यों रखी है? अरे मुझे क्या पता, इनका बहुत बड़ा सिनेमा है, देखो तो सर कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। ओए देखो देखो मेरा गरीब दोस्त आ गया, हल्क क्या हाल है तेरे? देखा मैंने तभी बोला था नहीं चलते, ये देखो फिर से हमको गरीब गरीब बोलने लग गया। अरे कोई बात नहीं रुको रुको। ओए हल्क फिर से वही कटारा गाड़ी में कटारा कपड़े में आ गया ना? ओए मेरे बीवी बच्चे देख रोज नए नए कपड़े लेके आते महंगे महंगे। अरे अंकल आपकी बहुत ही तो मेले पापा थे भी आती है। ओए बेटा बॉडी बनाने के लिए खाना खाना पड़ता है, और तेरे बाप के पास तो खाने के पैसे भी नहीं थे। अरे ज्यादा मत बोल। अरे तुम मिलता थेले तलो देता। अरे हाँ मैं तलूंगा तलूंगा। अरे तलो मैं तो पतले देता हूँ। अरे मैं तो पतले देता हूँ ना। अरे लुटो लुटो लुको मैं बात नहीं पाला। अरे मैं धोता हूँ बहुत। अरे पर मैं भी तो तेले देता हूँ, पकलते देता ना। अरे मेरे पापा ने दिखाया नहीं कभी भागना। तो गाइस यार यहाँ पे यार हल्क को लग रहा था कि यार पिंक हल्क ने उसको यार अपनी पार्टी में बुलाया कि उसको सेलिब्रेशन देखने, पर नहीं उसने किसी और ही खतरनाक काम के लिए हल्क को यहाँ पे बुलाया है। तो यार हल्क का बच्चा और पिंक हल्क का बच्चा भी यहाँ पे खेल रहे हैं, पर अभी बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज होने वाली है। ओए हल्क अब मेरी बात सुन रहे, अबे तूने मेरे से 50 लाख का लोन लिया था, अभी तक तूने मुझे वो दिए नहीं है। अरे मैं दे दूंगा थोड़े दिनों में। अरे हाँ हम थोड़े दिनों में दे देंगे। ओ साले गरीब, तू मेरे को 3 महीने से क्या ही बोल रहा है 50 लाख अब दूंगा अब दूंगा अब दूंगा, कब देगा? अरे तू टेंशन मत ले, अभी मुझे थोड़े दिनों में पैसे मिलने वाले। ओए क्या हवा से गिर के मिलेंगे पैसे, अब मुझे बहुत ही खतरनाक कदम उठाना पड़ेगा सिक्योरिटी। अरे अरे बिड़ बिड़ हिलने का नहीं चुपचाप नीचे बैठ जाने का। अरे तू ये क्या कर रहा है? ओए मुझे पता था तू पैसे आज भी नहीं देगा, इसलिए मैंने पहले सारा बंदोबस्त कर दिया था। आज से तेरी बीवी और तेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा जब तक तू मुझे पैसे नहीं ला के देगा। अरे ऐसा मत कर, मेरे बच्चे को क्या हुआ? अरे यार ये टोल पुलिस में तुमने गन क्यों निकाल लियो? अरे मेरे को लगता है कि ना ये कोई नकली धन नहीं है, ये देख असली धन है त्रिधन। अरे तुमने असली धन तो निकाली, मेरे को लगता है कि अरे मेरे पापा ने बोला था देखो मारने के लिए, हाथ में देखो मार दूंगा। अरे नहीं। ओए अब तू निकल ले यहाँ से, आज आज में तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे बीवी और बच्चों दोनों को मार दूंगा। अरे नहीं ऐसा मत कर। ओए तुझे पता है तू मुझे तो मार तो सकता नहीं है, मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूँ। अरे मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ओए तू क्या कर सकता है, ज्यादा बोलेगा तो एक इशारे में तेरी बीवी को गोली लग जाएगी। अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो। ओए तू चाहता ऐसा ना हो तो फटाफट जाके पैसे ला दे 50 लाख आज आज में। अरे ठीक है मैं लाता हूँ 50 लाख। ओए लेके आई हो आज ही? अरे मेरे परिवार
घर वालों को कुछ मत करना, मैं लेके आऊंगा। तो गाइस यार जैसा कि अभी आपने देखा कि हल्क पड़ चुका है बहुत ही बड़ी मुसीबत में, अब उसको 50 लाख लाने होंगे कैसे भी करके अपने परिवार वालों को बचाने के लिए। अरे हल्क क्या करेगा, 50 लाख कहाँ से लाऊं मैं। तो गाइस यार अब देखते हैं हमारा हल्क क्या करता है अपने परिवार वालों को बचाने के लिए। 50 लाख रुपए तो मैं नहीं ला सकता, पर मैं इस पिंक हल्क को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। पर मैं करूंगा भी क्या, इसके पास तो मेरे से भी ज्यादा शक्ति है। तो गाइस यार अब यार हमारा ग्रीन हल्क सोच रहा था कि वो पिंक हल्क को कैसे हराए, उसी टाइम उसको याद आया कि पिंक हल्क को कैसे यार उससे ज्यादा पावर्स मिली थी। ये पिंक हल्क तो पहले मेरे जितना ताकतवर था, पर मुझे याद है वो गया था अंधेरी रात को और वहां पे उसको एक अंडा मिला था, उस अंडे को खाने के बाद ही वो बन चुका था द अल्टीमेट हल्क। अब मुझे पता चल चुका है मुझे क्या करना है, मुझे जाना पड़ेगा और मुझे भी वो अंडा खाना पड़ेगा ताकि मुझे शक्तियां मिल सके। तो गाइस यार अभी पता चल चुका है ग्रीन हल्क को यार उसे क्या करना है, वो जा रहा है फटाफट से यार वो अंडा खाने, जिससे यार पिंक हल्क को यार बहुत ज्यादा तगड़ी तगड़ी पावर्स मिली थी। तो यार हमारे यार ग्रीन हल्क ने यार बहुत ज्यादा भागा, बहुत ज्यादा तैरा और आखिरकार वो उड़ भी लिया। उसके बाद उसे मिल गया वो वाली जगह जहां पे यार पिंक हल्क को मिली थी उसकी अल्टीमेट पावर्स। तो अभी देखते हैं हमारा ग्रीन हल्क क्या करता है। अरे गलत लैंडिंग हो गई, पर कोई बात नहीं, मैं परिवार वालों के लिए ये सहन कर सकता हूँ। मुझे वो अंडा ढूंढना पड़ेगा, वही मौसम है, वही जगह, यहीं पे वो अंडा होगा। तो गाइस आप बताओ क्या यार ग्रीन हल्क को मिल पाएगा वो अंडा, फटाफट जाके कमेंट में बता दो। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट जाके लाइक कर दो। अपना यार ग्रीन हल्क यार बस हार मानने वाला था, आखिरकार उसे दिखी वो लाइटनिंग अंडे वाली और उसे मिल चुके थे अंडे, और इस बार उसे मिले थे दो दो अंडे। अरे ये क्या, यहाँ पे तो दो दो अंडे, उसने सिर्फ एक ही अंडा खाया था, अगर मैं दोनों के दोनों अंडे खा लूं तो मैं तो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। अब मैं दोनों खा जाऊंगा। तो गाइस यार आप देख सकते हो भाई अपना ग्रीन हल्क कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है, भाई साहब कितनी ज्यादा तेज भाग रहा है, इसको तो बहुत ही तगड़ी तगड़ी शक्तियां मिल गई है। और उसने यार पिंक हल्क को बुला लिया लड़ाई के लिए अपने परिवार वालों को बचाने के लिए। ओए ये क्या हल्क फुद्दू हो गया है क्या, इसकी सड़क गई है क्या, इसने मुझे बुलाया लड़ने के लिए द पिंक अल्टीमेट हल्क चलो लड़ते देखते भाई क्या हो गया तेरे को। हल्क आज तेरे को नहीं छोड़ेगा। ओए ये तू क्या बन क्या है, अबे कौन सी नाटक कंपनी में काम करता है हल्क नाटक कंपनी में काम नहीं करता, हल्क आज तेरे सारे सारे नाटक निकालने वाला है। ओए तो आजा फिर, आज तो तेरे को मैं खत्म कर ही दूंगा। ओए चिल्लाता क्या, ये ले चाटा खाया। इससे मुझे कुछ नहीं होगा, ये तो मेरा वार्म अप है। ओए तू तो मेरे से पिट रहा है, कौन सा वार्म अप कर रहा है। तो गाइस यार यहां पे इनकी लड़ाई हुई और पिंक हल्क ने ग्रीन हल्क को मारा एक बहुत ही बढ़िया बूस्ट और उड़ते हुए गया हमारा ग्रीन हल्क, पर उसने अपने आप को संभाल लिया और वहां से सामने से हल्क आते हुए यहां से हल्क जाते हुए और ये मुक्का मारा बहुत ही बढ़िया वाला और ये सुपरमैन पंच। पर यार पिंक हल्क को कुछ असर नहीं हुआ, पर ग्रीन हल्क ने उसको उठा के फेंक दिया भाई साहब कितना दूर, और वापस एक और सुपरमैन पंच। ओए ये क्या कर रहा है, तेरे पास इतनी शक्तियां कैसे आई। मैंने बोला था ना मेरे परिवार वालों को और मुझे परेशान मत कर, अब तो नहीं बचने वाला। ओए बचाओ। तो गाइस यार आप देख सकते हो हमारा ग्रीन हल्क क्या मारे जा रहा है भाई, खतरनाक वाला मारे जा रहा है और ये के चाटे चाटे तालियां बजा रहा है और वो उड़ता जा रहा है। भाई साहब इनके बीच में क्या चल रहा है। ओए अभी तेरे को बता दो, ये ले। और ये हमारे पिंक हल्क ने आखिरकार उसको मारा और एक और मारा भाई साहब, ये तो ग्रीन हल्क को खड़ा ही नहीं होने दे रहा और ग्रीन हल्क हवा में जा चुके और ये सुपरमैन पंच फिर से। ओए अब तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे मैं कहते को छोड़ दूंगा, ये ले एक और बार ले। तो गाइस यहाँ पे पिंक हल्क ने ग्रीन हल्क को मारा पर ग्रीन हल्क वापस उड़ चुकी है और वापस से एक और पंच मारा, फिर भी ग्रीन हल्क ने अपने आपको संभाल लिया क्योंकि हमारा ग्रीन हल्क हो चुके बहुत ही ज्यादा पावरफुल और फिर से हमारा ग्रीन हल्क को पिटे जा रहे तो मार ही नहीं पा रहे और फिर से मार दिया। भाई साहब मुझे लग रहा है भाई पिंक हल्क नहीं जीता है। और ये नकली दाढ़ी मूछ लगाने से कुछ नहीं होगा, तेरे को सही में पावरफुल बनना होगा। अरे तेरे को तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और गाइस यार हमारे ग्रीन हल्क उसको मारे जा रहे भाई साहब, उसको तो उठने का मौका भी नहीं दे रहे, बस मारे जा रहे और ये तालियां बजा के इसको दूर भेज। अब तू मेरे सामने पिटती है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। ओए वो तो अभी देखेंगे, मैं तेरे को बता दो ये ले। अरे ये चिरकुट अटैक्स है, मेरे को कुछ नहीं होगा, अभी तक बता दो ये ले। तो गाइस यार इसने तो कितना ज्यादा मारा उसको और हमारा पिंक हल्क मर चुका है और इतना दूर भेज भी दिया उसको मार के। अरे मैंने बोला था ना तो मेरे सामने पिद्दी है पिद्दे। तो गाइस यार आपने देखा कि भाई पिंक हल्क हो चुका है खत्म, हमारे ग्रीन हल्क ने उसको खत्म कर दिया है और अब ग्रीन हल्क जा रहा है सीधा अपने परिवार वालों से मिलने क्योंकि यार पिंक हल्क खत्म हो चुका है तो उनका सारा का सारा टेंशन जा चुका है। उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे पापा उनको मत मारो। अरे हाँ इनको मत मारो, इनकी कोई गलती नहीं है, वो पिंक हल्क बहुत खराब था, उन्हें इनको बोला था ये सब करने के लिए। अरे नहीं पर इनकी वजह से हमें बहुत परेशानी हुई है। अरे नहीं हल्क इनको मत मारना, ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं।
अरे ठीक है नहीं मारूंगा इनको। तो गाइस यहाँ पे हमारे ग्रीन हल्क ने यार पिंक हल्क की फैमिली को तो बख्श दिया, पर उनका सिनेमा नहीं बख्शा। उसने यार कार उठा उठा के पटक पटक के उसका सिनेमा पूरा खराब कर दिया, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं तो अपना गुस्सा निकालना ही था। उसने यार पिंक हल्क को तो आराम से मार दिया है, और उसके यार सारे के सारे परिवार वाले भी सुरक्षित है और पिंक हल्क के भी। तो गाइजर हमारे ग्रीन हल्क हो चुके हैं बिल्कुल सेफ, उनकी फैमिली बन चुकी है, उसकी बीवी को मिल चुका है एक पार्टनर बातें करने के लिए, और उसके बच्चे को मिल चुका है एक पार्टनर यार खेलने के लिए। तो गाइजर यानी है पूरी हो चुकी है हमारी हैप्पी एंडिंग। तो गाइजर आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो यार। गाइजर इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड के लिंक फटाफट जाके ज्वाइन और फॉलो कर लो, ताकि मस्त मस्त बातें कर सके। और गाइजर मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।